एक्शन। हमने अक्सर देखा है कि अदालत जब किसी मुलजम को जमानत दे रही होती है तो साथ ऑर्डर करती है कि जी दो शोर्टीज ये मुलजम दे। उसकी रीज़न क्या होती है? एक तो होती है कि वो हीनियस नेचर का कोई ऑफेंस हो, या फिर अप्रीहेंशन हो कि अक्यूज जो है वो भाग जाएगा, तो फिर अदालत डबल शोर्टी ले सकती है। अब डबल शोर्टी जो है, क्या उसकी ला में कोई प्रोविज़न है? तो जवाब आएगा कि जी हाँ है। ये 499 जो है CRPC 1898, उसमें है कि बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड शोर्टी, ये उसके मतलब है। आपने अक्सर देखा होगा, एक बड़ी नोटेबल बात है कि मुचलका याद पर आपने देखा होगा कि मुचलका याद ज़ेर दफ़ा 449। अब वो 449 जो होता है ना मुचलके पर, वो गलत लिखा होता है और वो मिसप्लेस है कि वो मिसप्रिंट है कि वो 449 नहीं 499 है CRPC, जिसके तहत अदालत मुचलके लेती है। अब मुचलका लेते वक्त इसी में ये लिखा हुआ है डेट सच पर्सन शैल अटेंड दी टेन। अब उसमें है कि वैन ही इज़ रिलीज ऑन बेल, यानी ये मुल्जम के मतलब बात हो रही है, बाई वन आर मोर सफिशेंट श्योरिटीज कंडीशन डेट सच पर्सन शैल अटेंड एट टाइम एंड प्लेस मेंशन इन द बॉन्ड एंड शैल कंटिन्यू सो टू अटेंड अंटल अदरवाइज डायरेक्टेड बाई द पुलिस ऑफिसर आर कोर्ट एज अ केस मे बी। तो ये कहने का मतलब है कि दो चीज़ें हैं इस जो आइडियो में, कि एक तो वो गलतफहमी का अजाला है कि अक्सर हमने देखा होगा कि 449 लिखा होता है मुचलका याद पर, हालांकि वो 449 के मुचलके नहीं होते, वो 499 के होते हैं। और डबल शोर्टी जो मांगी जाती है वो भी जो है वो इसी के तहत भी होती है, यानी मुचलका याद 499 के तहत ही जो है वो जमा कराए जाते हैं। वो जो कागज़ होते हैं ना, हम कहते हैं ना ज़मानती कागज़, वो 499 के तहत होते हैं। अब ये मैं जो ऑडियो है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। इसमें एक नई बात है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।